इसके लिए हमने 3.5 mm क्रोशेट लिया है। सबसे पहले हम इस तरह से एक स्लिप नॉट बनाएंगे। यहां से हम चैन स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हम इस ऊन को क्रोशेट पर इस तरह से लपेटेंगे और यहां से इस तरह से निकालेंगे। तो ये हमने एक चैन स्टिच कर ली है। इसी तरह से हम चैन स्टिच कर लेंगे। ये हमने 24 चैन स्टिच कर ली है। अब यहां से हम दो चैन और स्टिच करेंगे। ये हमने दो चैन और स्टिच कर ली है और यहां पर ये जो 24 नंबर की चैन थी, ये जो हमने दो चैन स्टिच की है 1 2, इनको हम स्किप कर देंगे और यहां पर ये जो 24 नंबर की चैन है इसमें हम फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से ऊन को क्रोशिया ऊपर लपेटेंगे और इस चैन से इस तरह से निकालेंगे। तो अब हमारे पास क्रोशिया में 3 लूप है। ये तीनों लूप हम एक साथ बुन लेंगे। ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया बन गया है। तो इसी तरह से हम हर चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे लास्ट चैन तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैन में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में हाफ डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये हमने 24 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बना लिए हैं। यहाँ पर ये जो हमारी लास्ट चैन है इसमें हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। दूसरे साइड जाने के लिए हम इसमें दो हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। लास्ट स्टिच में ये एक, सेम स्टिच में एक और, ये दो। अब हम इस साइड हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहां से ये जो लास्ट स्टिच है इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। तो यहां पर ये जो लास्ट स्टिच थी इसमें हमने 4 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बना लिए हैं। यहां से नेक्स्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशिया। ये जो धागा है इसे भी हम बुनाई में ही दबाते जाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड यहां तक लास्ट स्टिच तक कंप्लीट करेंगे। ये हमने 23 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं इस साइड और ये हमारी लास्ट स्टिच में 24 हाफ डबल क्रोशिया। तो इस लास्ट स्टिच में हम दो हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक और ये दो। तो इस तरह से इस साइड भी ये जो लास्ट स्टिच है इसमें हमारे पास 4 हाफ डबल क्रोशिया बन गए हैं। इस साइड भी हमने 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे लास्ट स्टिच में। तो यहां से
ये जो हमने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसके टॉप से हम इसे हाफ डबल क्रोशिया से ही ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट नहीं करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे और दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हम स्पाइरल बनाएंगे इसको। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है, तो इसके टॉप से हम इसे हाफ डबल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ से हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा स्टिच मारकर हम यहाँ पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर देंगे जिससे कि हमें पता रहे कि यहाँ से हमने सेकंड राउंड स्टार्ट किया है। इस राउंड में हम हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये राउंड आपको कंप्लीट बनाकर दिखाते हैं। ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है और सेकंड राउंड में हमारे पास 52 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बन गए हैं। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट राउंड बनाया था इसमें 24 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच इस साइड और 24 हाफ डबल क्रोशिया इस साइड, प्लस 2 हाफ डबल क्रोशिया हमने इस साइड बढ़ा लिए और 2 हाफ डबल क्रोशिया हमने इस साइड बढ़ा लिए। तो टोटल हमारे पास 52 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनकर कंप्लीट हो गए हैं सेकंड राउंड में। यहां से हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। यहां से हम दूसरा कलर अटैच करेंगे, तो इसके लिए हम स्लिप स्टिच से यहां से दूसरा कलर अटैच करेंगे। इस तरह से यहां पर एक चैन स्टिच करेंगे, ये जो हमने एक चैन स्टिच की है इसे हम स्टिच काउंट नहीं करेंगे। यहां से हम सेम स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहां से ये हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। इस धागे को हम यहाँ पर इस पर इस तरह से बांधकर फिक्स कर देंगे जिससे कि यहाँ से लूज नहीं हो। तो इसी तरह से हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम आपको ये राउंड कंप्लीट बनाकर दिखाते हैं। ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है और इस राउंड में हमारे पास 52 हाफ डबल क्रोशिया बन गए हैं। यहां से सेम कलर से ही हम एक राउंड और कंप्लीट करेंगे। यहां से हम इसे हाफ डबल क्रोशिया से ही अटैच करेंगे। जो हमने इस कलर से फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उससे हम इसे हाफ डबल क्रोशिया से अटैच कर देंगे और यहाँ पर हम ऐसा स्टिच मारकर सेफ्टी पिन अटैच कर देंगे। तो ये राउंड भी हम इसी तरह से हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे सेम कलर से ही बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा अलग लुक देने के लिए कलर चेंज कर रहे हैं। ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यहां से हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। यहां से हम स्लिप स्टिच से ये वाला कलर अटैच करेंगे। इस तरह से यहां से एक चैन स्टिच करेंगे।
इस धागे को हम इस धागे से इस तरह से गांठ लगाकर बांधेंगे जिससे कि लूज नहीं हो यहां से। और यहां पर ये जो दो कलर हैं जो हमने पिछले राउंड में यूज किए थे इनको हम इस तरह से इस धागे में दबा लेंगे जिससे कि जब हम आगे और राउंड बनाएंगे तो उनमें हम ये कलर यूज करेंगे। तो इनको हम यहाँ से कट नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से हम दबा लेंगे जिससे कि ये ज्यादा लंबे नहीं रहे हमें दूसरे राउंड में यूज करने के लिए। तो यहाँ से हम इस कलर से इस राउंड का फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में। इस तरह से नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस कलर से हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस कलर से दो राउंड कंप्लीट करेंगे। इस कलर से भी हमने दो राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहां से हम स्लिप स्टिच से ये वाला कलर अटैच करेंगे। एक चैन स्टिच करेंगे इस तरह से और ये वाले जो धागे हैं जो हमने पिछले राउंड में यूज किए थे तो ये वाला जो धागा है इससे हम इस राउंड में इस तरह से दबा लेंगे और ये जो धागे हैं इनको हम दूसरे राउंड में दबाएंगे। इसी तरह से दबाते हुए जाएंगे तो इस कलर से सेम स्टिच में हम इस राउंड का फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से दो राउंड हम इस कलर से कंप्लीट कर लेंगे और दो राउंड हम व्हाइट कलर से कंप्लीट करेंगे। और ये धागे हैं इनको हम इस तरह से दबाते जाएंगे जिससे कि यहाँ पर इस तरह से ज्यादा लंबे नहीं रहे जब हम इसे फिर से यूज करेंगे। हमने दो राउंड इस कलर से और दो राउंड इस कलर से बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहां से स्लिप स्टिच से ये वाला कलर अटैच करेंगे और जिस तरह से हमने ये कलर बनाए हैं उसी तरह से हम फिर से बनाएंगे। तो यहां से हम स्लिप स्टिच से ये वाला कलर अटैच करेंगे इस तरह से, एक चैन स्टिच करेंगे और ये जो कलर हमने पिछले राउंड्स में यूज किए हैं तो इनको हम इस तरह से दबा देंगे यहाँ पर जिससे कि जब हम इन्हें अगले राउंड में यूज करें तो यहाँ से ही ज्यादा लॉन्ग नहीं रहे। यहाँ से हम सेम स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए हम दो राउंड इस कलर से कंप्लीट करेंगे, फिर ये वाला कलर अटैच करेंगे, फिर दो राउंड इससे, फिर दो राउंड इससे और फिर दो राउंड इससे। तो इसी तरह जितनी आपको बैक की इस साइड से लेंथ चाहिए उतना आप इसी तरह से दो दो राउंड बनाते हुए कंप्लीट कर लें। ये हमने इसे इतना बुनकर रेडी कर लिया है और ये धागे हमने कट कर दिए हैं यहाँ पे। इनको हम यार्न नीडल से सिलकर बैक साइड में हाइड करेंगे तो ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। अब यहाँ से हम हर स्टिच में स्लिप स्टिच लगाते हुए यहाँ तक
यहाँ तक हम स्लिप स्टिच लगाते हुए जाएंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से हर स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे यहाँ तक। यहाँ तक हमने ये स्लिप स्टिच लगा ली है। अब यहाँ से हम चैन स्टिच करेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम 100 चैन स्टिच करेंगे। अगर आपको बैक पर ज़्यादा लंबी चैन चाहिए तो आप इस तरह से अपनी आवश्यकता अनुसार ज़्यादा चैन स्टिच कर सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी चैन स्टिच करें। तो हम आपको इस तरह से 100 चैन स्टिच करके दिखाते हैं। ये हमने 100 चैन स्टिच कर ली है। अब इसे हम इस साइड अटैच करेंगे। तो स्टिच मारकर सेफ्टी पिन इस साइड अटैच करेंगे। अब हम इसे यहां पर अटैच करेंगे। इस तरह से अब हम यहां से इस स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये हमने पूरी चेन में सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टिच है इससे हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इस साइड हमने स्लिप स्टिच बना लिए थे पहले। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक स्लिप स्टिच बनाएं। नेक्स्ट स्टिच स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए हम इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। हमने स्लिप स्टिच लगा दी है। यहाँ से हम एक चैन स्टिच करेंगे और साथ ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर देंगे इस तरह से। अब इस धागे में इस तरह से यार्न नीडल डालकर हम इसे बैक साइड में सिलाई लगाकर हाइड कर देंगे। इसी तरह से इन धागों को भी हम सिलाई लगाकर हाइड कर देंगे बैक साइड में। ये हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।